दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एयरटेल का आउटगोइंग कॉलिंग के लिए कौन सा रिचार्ज करना हमारे लिए सस्ता पड़ेगा, और सबसे सस्ता पैक बताऊंगा आपको आउटगोइंग कॉलिंग के लिए। और उसके अंदर आपको नेट भी यूज़ कर सकते हो, और आपको नेट यूज़ नहीं करना है तो भी आप ये रिचार्ज करके अपना कॉलिंग अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो आउटगोइंग के लिए। तो हम अपना रिचार्ज में चले जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहती है। और आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आप। तो हम स्टार्ट डायरेक्ट हम फ्रेंड्स आउटगोइंग उससे बात करेंगे, टॉक टाइम के उससे। तो हम पहले स्मार्ट रिचार्ज में जाएंगे और इसकी बात करेंगे। तो यह 99 रुपये का सबसे सस्ता है, पर इसमें टॉक टाइम मिलता है आपको। मतलब दोस्तों, इसके अंदर आपका जब भी टॉक टाइम ख़त्म हो जाएगा तो आउटगोइंग कॉल नहीं जाता है। अगर आप अनलिमिटेड बात करना चाहते हो तो हमको दूसरा पैक करना पड़ेगा, और इसमें SMS भी नहीं जाता है, सिर्फ इसमें इनकमिंग कॉल आएगा। आउटगोइंग कॉल अगर ख़त्म हो जाता है टॉक टाइम, तो इसमें सिर्फ आपका इनकमिंग कॉल ही आएगा। तो आप ये समझ गए, आपको ये वाला रिचार्ज करने का नहीं है, क्योंकि ये आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ टॉक टाइम के ऊपर है, बार बार आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। और ये 28 दिन ही चलता है, 28 डेज की वैलिडिटी है। सिर्फ 50 रुपये खर्चा करके आप अनलिमिटेड दूसरा पैक भी यूज़ कर सकते, जितना मन चाहे उतना बात करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि एयरटेल में अनलिमिटेड पैक सबसे सस्ता कौन सा है। तो यहाँ स्मार्ट रिचार्ज है, ये आपका टॉक टाइम वाला है, तो इसके अंदर आपका चले जाता है। टॉक टाइम ख़त्म हो जाएगा तो आप बात नहीं कर पाओगे, आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो अब हमारे को क्या करना है फ्रेंड्स, अनलिमिटेड पैक के बारे में बात करेंगे, और आपको जो भी पसंद आए आप उसमें से रिचार्ज कर सकते हो। तो चलिए अनलिमिटेड में चले जाते हैं, सबसे सस्ता पैक में। तो सबसे सस्ता पैक 155 का है, इसमें 1 GB डाटा मिलेगा, 179 का है। तो अब हम 155 की जो रिचार्ज है उसके बारे में जानेंगे, उसमें हमको कितनी वैलिडिटी मिलती है और कितना दिन चलेगा, कितना बात कर सकते हैं। तो देखिए, इधर 155 रुपये का रिचार्ज है, और वैलिडिटी हमारी इधर हमारी वैलिडिटी 24 डेज की मिलती है, और SMS हमको मिलेगा 300 अगर आप बैंक के लिए यूज़ करना चाहते हो, ऐप को यूज़ करना चाहते हैं, अमेजोन पे UPI यूज़ करना चाहिए, फ़ोनपे UPI आप क्रिएट करना चाहते हो, पेटीएम UPI, तो आपका SMS जाएगा, तब जाके आपका वेरिफिकेशन हो पाएगा, तब जाके आपका हो पाएगा बैंक का जो भी आप UPI चालू करना चाहते हो। तो फ्रेंड, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 99 का जो रिचार्ज है उसके अंदर आप ये सब नहीं कर सकते हो, ये आपका 155 का रिचार्ज है, उसमें आप कर सकते हो। हमको अभी ये देखने के लिए मिल रहा है मोबाइल एडिशन फ्री ट्रायल, तो कभी कभार ये देखने के लिए मिलता है, कभी कभार नहीं दिखता है, तो आपको देख लेने का है। अगर ये रिचार्ज कर रहे हो उसके अंदर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अमेजोन प्राइम पर, आपको 1 GB में कितना पिक्चर देख लोगे। तो चलिए, हम इसमें 24 डेज की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड कॉल है, जितना चाहिए उतना बात कर सकते हो आप, SMS 300 मिलेंगे। तो ये पैक की बात हो गई, अब हम दूसरा पैक के बारे में बात करेंगे। इससे थोड़ा बड़ा पैक है, पर उसकी वैलिडिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो 28 दिन के लिए, आपको पूरा एक महीना तो नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 28 दिन ही मिलेगा। तो चलिए हम जानते हैं अब 179 रुपीज़ का जो पैक है हमारा, वो हमको कैसा पड़ेगा, और उसको रिचार्ज करना चाहिए कि नहीं, और मैं आपको सजेशन भी दूंगा आप कौन सा रिचार्ज करना है आपको। अगर आप सिर्फ कॉलिंग के लिए, आउटगोइंग कॉलिंग के लिए अनलिमिटेड करना चाहते हो, तो 155 के साथ जा सकते हो और इसको रिचार्ज कर सकते हो। अब मैं 179 की बात करूँगा, इसमें 2 GB मिल रहा है, इसमें हमको मोबाइल एडिशन अमेजोन प्राइम दिख रहा है, पर आपको देखना है आपके उसमें दिख रहा है कि नहीं, तभी रिचार्ज करना, ऐसा नहीं करना, कभी कभार दिखता है, कभी कभार नहीं दिखता है, तो छुप जाता है वो, और बहुत जन का एक्टिवेट भी नहीं होता है। तो दोस्तों, अब इसमें हम बात करेंगे, डाटा 2 GB है और हमारा ट्रूली अनलिमिटेड है, सच्ची में अनलिमिटेड है, इसका मतलब सब नेटवर्क पे, वैलिडिटी इसकी 28 डेज है, SMS आपको 300 मिलेगा, सिर्फ महीने में 300 SMS भेज सकते हैं, उसके बाद आपको पैसा कटेगा इसके अंदर SMS भेजने का। और फ्रेंड, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको भी रिचार्ज कर सकते हो, आपको अगर बात करना है 28 दिन तो इसको रिचार्ज की, अगर 24 डे बात करना है अनलिमिटेड तो 155 का करिए, अगर आपको थोड़ा सी बात करना है, ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ मिस कॉल मारते हो, तो आपको 99 रुपीज़ का जो रिचार्ज है वो मिस कॉल मार मार के आप यूज़ कर सकते हो।
तो आपको मिस कॉल मारने के लिए 99 का अच्छा है, और आपको अनलिमिटेड बात करना है तो 155 और 179 के साथ जा सकते हो और बात कर सकते हो। अगर आपको डाटा चाहिए तो 299 के रुपीज़ का रिचार्ज कर सकते हो इसके अंदर, या 265 का, तो आपको चॉइस है आपको क्या करना है, मिस कॉल मारना है, कॉलिंग करना है। ये वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।